नागपुर में रणजी ट्रॉफी का सेमीफाइनल मुकाबला खेला गया। इस मैच में गुजरात का सामना झारखंड की टीम से था और झारखंड की टीम के मेंटोर थे भारतीय क्रिकेट इतिहास के सबसे सफल कप्तानों में शुमार महेंद्र सिंह धोनी। यूं तो ये मैच इसलिए ऐतिहासिक बन गया क्योंकि झारखंड इतिहास में पहली बार रणजी सेमीफाइनल खेलने उतरा था और इस अहम मैच के लिए धोनी ने झारखंड के खिलाड़ियों को खूब प्रोत्साहित किया, लेकिन फिर भी वो इस पहले इम्तिहान में फेल हो गए। इस बड़े मुकाबले में गुजरात ने झारखंड की टीम को 123 रन से पस्त कर दिया। ये पहला मौका था जब धोनी झारखंड के मेंटोर के रूप में इस टीम के साथ दिखे थे। गुजरात टीम के जसप्रीत बुमराह लंबे फॉर्मेट में पहचान बनाने के लिए कोशिश कर रहे थे, वहीं आरपी सिंह ये साबित करना चाहते थे कि वो अभी चूके नहीं हैं। दोनों ही अपनी कोशिशों में कामयाब रहे, जिसकी बदौलत गुजरात ने 66 साल बाद रणजी ट्रॉफी के फाइनल में प्रवेश किया। बुमराह और आरपी की अगुवाई में शानदार गेंदबाजी की मदद से गुजरात ने झारखंड को 111 रनों पर समेट दिया। गुजरात के कप्तान पार्थिव पटेल ने केवल 3 गेंदबाजों को गेंद सौंपी। बुमराह ने दूसरी पारी में अहम भूमिका अदा की, जिन्होंने 14 ओवर में 29 रन देकर 6 विकेट हासिल किए, जो उनका करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी है। मैच में उन्होंने कुल 7 विकेट चटकाए। वहीं पहली पारी में 6 विकेट हासिल करने वाले तेज गेंदबाज आरपी ने दूसरी पारी में 3 विकेट से मैच में कुल 9 विकेट चटकाए। झारखंड के स्पिनर शाहबाज नदीम ने 69 रन देकर 5 विकेट हासिल किए।